Good morning, friends. Again, let us continue with our chapter. तो हमने पहले देखा कि वही संस्कृत वर्णमाला चैप्टर का नाम है, उसमें मेनली दो बातें बताई गई. अक्षर दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन. स्वर के तीन पार्ट, व्यंजन के तीन पार्ट. और उसके अलावा जो दो मैंने आपको बताया था कि स्वर में अम और अह, ये जो दो अक्षर है वो स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, उसे कहते हैं अयोगवाह. और वो अक्षर से ज्यादा मात्रा के फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं. हम किसी भी अक्षर के ऊपर जो बिंदी करते हैं वो होता है अनुस्वार यानी कि अम. और हम किसी भी अक्षर के बाजू में जो डॉट डॉट करते हैं वो होता है अह यानी कि विसर्ग. तो दो प्रकार के अयोगवाह हुए ना, विसर्ग और अनुस्वार. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. आगे बताया गया है कि ये 13 स्वर और 33 व्यंजन तो है ही है, उसके साथ साथ वैसे तो बहुत सारे संयुक्त अक्षर है, बट मेनली आपके कोर्स में ये जो चार अक्षर है वो बताए गए हैं. आप देख सकते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और द्य. सबसे पहले आप ये जानिए कि संयुक्त अक्षर क्या होते हैं. जब दो व्यंजन बिना स्वर के मिलाकर एक कर दिए जाते हैं वो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं. जैसे मैंने आपको पहले स्वर में भी बताया था कि अ और ई मिलकर ए बनता है, तो वो क्या हुआ, संयुक्त स्वर हुआ. और ये जो क्ष, त्र, द्य और ज्ञ है वो है संयुक्त व्यंजन यानी कि संयुक्त वर्ण भी उसे आप कह सकते हैं. ठीक है, तो ये चार अक्षर किस कौन कौन से दो मिलकर बनते हैं वो देखते हैं. सबसे पहले है ज्ञ. जैसे हम बोलते हैं ज्ञान, विज्ञान, ज्ञानी, वो सब हम बोलते हैं तो जनरली लोगों के दिमाग में एक ये इम्प्रेशन रहती है कि ग और य मिलकर ज्ञ बनता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. ज्ञ कैसे बनता है, झ प्लस ञ, वो जो अनुस्वार है अनुनासिक वर्ण है वो दो मिलकर ज्ञ बनता है. मैंने आपको व्यंजन पढ़ाते वक्त बोला था ना कि क, ख, ग, घ और ङ, ये पहली लाइन का जो लास्ट लेटर है वो ङ है, बट जो दूसरी लाइन का च, छ, ज, ज और ञ है वो है च वर्ग का अनुनासिक अक्षर. तो झ प्लस ञ इज इक्वल टू ञ. और उसका उदाहरण आप ले सकते हैं ज्ञान, विज्ञान वगैरह. ठीक है, फिर दूसरा संयुक्त अक्षर है क्ष. इसमें भी कई लोगों के मन में ऐसी भ्रांति है कि क और छ मिलकर क्ष बनता है, वो भी बिल्कुल गलत है. क है बट बाद वाला जो अक्षर है वो है श यानी कि मूर्धन्य वाला श. वो जो श, श और स है वो बीच वाला जो श वो है मूर्धन्य श, जिसे हम षटकोण का श भी कहते हैं आम भाषा में. तो क प्लस षटकोण वाला श इज इक्वल टू क्ष. और उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कक्षा, परीक्षा, कक्ष वगैरह. ठीक है, उसके बाद वाला संयुक्त अक्षर है वो है द्य. ये तो आसानी से समझ में आता है, द प्लस य इज इक्वल टू द्य. इसमें हम अक्षर से ही पहचानते हैं कि भाई द प्लस य इज इक्वल टू द्य, बट उसका उच्चारण हम मैक्सिमम टाइम जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं या तो इवन बड़े लोग भी गलत ही करते हैं.
वो दिया है, नहीं दिया नहीं है। जनरली आपके मन में ये एक दुर्वि शब्द रहता है, विद्या, विद्यालय, वो दिया नहीं है, दिया है, विद्यालय, विद्या, उद्यम, उद्योग। आप लोग क्या समझते हो? उद्योग, विद्यालय, विद्या। तो ये चीज गलत है। सही क्या है? द प्लस य इज इक्वल टू द। एग्जाम्पल के तौर पर विद्या, विद्यालय, ठीक है। और लास्ट वाला जो लेटर है संयुक्त अक्षर वर्ण, वो है त्र। ये तो आपको दिख ही रहा है, त प्लस र इज इक्वल टू त्र, जैसे कि मित्र, पत्र इत्यादि, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरे चैप्टर में मेनली हमें चार बातें बताई गई है, चार बातें हमें हाईलाइट करनी है, सीखनी है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जिन्होंने पहले ये वीडियो नहीं देखा है, आई मीन इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, और ये भी अगर नहीं देखा है, तो मैं उसकी पूरे चैप्टर की समरी बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है संस्कृत वर्णमाला। इसमें मेनली आपको चार बातें बताई गई है, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह और संयुक्त वर्ण। पहला है स्वर, उसके तीन पार्ट, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा रू और लू, तो ये पांच संयुक्त ये ह्रस्व स्वर हुए। दीर्घ स्वर आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और बड़ा रू। एंड संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ। दूसरा पार्ट था व्यंजन। व्यंजन टोटल 33 यानी कि 33 है, उसमें भी तीन पार्ट है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। स्वर स्पर्श व्यंजन 25 है, कख, गघ, ङ, च, छ, झ, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। और हर एक लाइन का जो लास्ट लेटर है वो उसका अनुनासिक कहलाता है। फिर आता है दूसरे प्रकार के व्यंजन यानी कि अंतःस्थ व्यंजन, वो होते हैं यर, लव, और लास्ट वाले जो व्यंजन होते हैं वो है ऊष्म व्यंजन, और वो होते हैं श, श, स और ह, यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका अयोगवाह। अयोगवाह होते हैं अम और अह, अम यानी कि अनुस्वार और अह यानी कि विसर्ग, और वो हमेशा 10 में से 9 टाइम मात्रा के रूप में ही हमें देखने को मिलते हैं। किसी भी अक्षर के ऊपर हम अगर बिंदी करते हैं तो वो अनुस्वार कहलाता है, और किसी भी अक्षर के बाजू में अगर हम दो डॉट्स रखते हैं, डॉट डॉट, वो विसर्ग कहलाता है, ठीक है। और इस चैप्टर की लास्ट बात, जो मेन बात है, वो है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण वैसे तो बहुत सारे हैं, बट पर्टिकुलरली इस चैप्टर में हमें चार संयुक्त वर्ण बताए गए हैं, क्ष, द्य, त्र और ज्ञ। ज्ञ कैसे बनता है? झ प्लस ञ इज इक्वल टू ज्ञ। उदाहरण के तौर पर ज्ञान, विज्ञान। फिर आता है क्ष, क प्लस षटकोण वाला श इज इक्वल टू क्ष। उसके उदाहरण है कक्षा, परीक्षा, कक्ष इत्यादि। उसके बाद आता है द्य, द प्लस य इज इक्वल टू द्य। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं विद्या, विद्यालय, उद्यम, उद्योग इत्यादि। और लास्ट में आता है त्र, त प्लस र इज इक्वल टू त्र। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं पत्र, मित्र, शत्रु इत्यादि, ठीक है। तो इस प्रकार इस पूरे चैप्टर में हमने संस्कृत के वर्ण और उसके भेद वगैरह ये सब सीखा। आगे बढ़ते हैं तो
उसी चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस है उसे हम देखते हैं। सबसे पहले आता है वर्ण विच्छेद। तो पहले तो आपको ये समझना है कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। किसी भी शब्द को, शब्द के स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना, वो होता है वर्ण विच्छेद। एकदम आसान भाषा में आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल है, एक शब्द है हर, या तो हरी। अब आपको देखने में दो अक्षर लगेंगे, ह और री, बट एक्चुअल में उसमें चार अक्षर है। ह के नीचे तिरछी लाइन, यानी कि हलंत ह प्लस अ, हलंत ह और अ मिलकर पूरा ह बनता है। मैंने आपको शायद बताया पहले, अगर नहीं बताया है तो अभी बता देता हूँ। सभी व्यंजन मूल रूप से हाफ यानी के आधे ही होते हैं, यानी कि हलंत ही होते हैं। उसमें कोई ना कोई अगर स्वर मिलेगा तभी वो पूरा एक प्रॉपर अक्षर बनेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको हरी का उदाहरण दिया, तो देखने में आपको दो अक्षर लगते हैं ह और री, बट एक्चुअल में उसमें चार अक्षर है, दो स्वर है और दो व्यंजन है, ह प्लस अ प्लस र हलंत और छोटा ई, ये चार अक्षर मिलकर हरी बनते हैं। तो आपके एग्जाम्पल, आई मीन जो एक्सरसाइजेस है उसमें पहली एक्सरसाइज है, सात, आपको सात शब्द दिए हैं, उनका वर्ण विच्छेद करना है। पहला है राजन, जो न लास्ट वाला है वो ऑलरेडी हाफ आपको शब्द में ही दिया है, तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? र प्लस आ प्लस ज आधा प्लस अ प्लस आधा न, क्योंकि ऑलरेडी शब्द में आपको एग्जाम्पल में न हाफ ही दिया है, ठीक है। फिर है गज। अब आप आसानी से देख सकते हो, कह सकते हो ग हलंत प्लस अ हलंत ज प्लस अ, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है फलम, वो कैसे होगा? हलंत फ प्लस अ प्लस हलंत ल प्लस अ प्लस हलंत म। फिर है छात्रा। अब आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक संयुक्त अक्षर आ गया है, संयुक्त वर्ण है। छात्रा का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? छ हलंत प्लस आ, फिर त हलंत, फिर र हलंत और आ, इज इक्वल टू छात्रा। फिर है मती, छोटा ई, तो म हलंत प्लस अ प्लस हलंत त प्लस छोटा ई। फिर है ज्ञान। इसमें भी देखो आपको सोचना पड़ेगा, एक संयुक्त वर्ण है, हलंत झ प्लस हलंत ञ प्लस आ प्लस हलंत न प्लस अ इज इक्वल टू ज्ञान। और लास्ट में है कक्षा, इसमें भी एक संयुक्त वर्ण आ गया, क्षा, तो कैसे होगा? क हलंत प्लस अ प्लस हलंत क प्लस हलंत श प्लस आ इज इक्वल टू कक्षा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको टोटल कुछ 12-14 अक्षर दिए हैं, वर्ण दिए हैं, सभी मिक्स है, स्वर भी है और व्यंजन भी है, आपको अलग अलग उसको करना है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं स्वर और व्यंजन करके आपको स्पेस दी गई है, तो मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ सभी अक्षर, फिर हम उसको अलग अलग करेंगे। न ई द उ च आ य प त ऐ उ रु ल ए ओ और म। अब इसको एक एक को हम अलग अलग करेंगे। न क्या होगा? व्यंजन। ई स्वर, द व्यंजन, उ स्वर, च व्यंजन, आ स्वर, य प दोनों व्यंजन, त व्यंजन, ऐ स्वर, उ स्वर, रु स्वर, ल व्यंजन, ए और ओ स्वर और म व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपको
प्लस य दिया है उससे क्या बनता है संयुक्त अक्षर, वो आपको उत्तर दे के तौर पर लिखना है। तो पहला है द प्लस य इज इक्वल टू दिया, दूसरा है क प्लस श इज इक्वल टू क्ष, तीसरा है प प्लस र इज इक्वल टू प्र, झ प्लस ञ इज इक्वल टू ञ, एंड क प्लस र इज इक्वल टू क्र। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये पूरा चैप्टर विथ एक्सरसाइज दिया गया है, जो कि हमने उसको अच्छी तरह से पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर या तो कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे एट होम एंड कीप योर सेल्फ हेल्थी।